कि उसके लिए इंजेक्शन के लिए कहीं ना कहीं पैसा गोटा करना है और उसको इंजेक्ट कराना है। वो बीमार रहता है बच्चा, ठीक है वहाँ तक समझ में आता है। फिर एक बच्चा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आता है और एक गाना गा के चला जाता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, मीडिया वाले उसमें गुल रहते हैं। फिर उस दरमियान एक कोरोना नाम का बच्चा पैदा होगा, तो वो भी गौर से देखिए इस घर में बच्चा पैदा हो गया है। इससे पहले कोई भी लड़का इस घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज बच्चा पैदा हो गया है, तो बच्चा भी पैदा करना अब हमें लगता है। फिजिक केमिस्ट्री मैथ बहुत सही है, तो मैथ में कहीं ना कहीं आपको जानकारी भी होगा। बता सकते हैं मैथ से कुछ पूछा जाए तो? बिल्कुल सही है। बता सकते हैं हमें कि 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है आपको? यस सर। बताइए तो। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। शाबाश, ये भी मालूम है, मैथ भी जानते हैं। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि फिजिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? अच्छा, क्या बनना चाहते हैं अभी? डॉक्टर। कोई पोएम याद है? बोल तो, एक पोएम बोल तो। बिल्कुल सही है। मतलब क्या क्या बनना चाहता है बताया, साफ सुथरा बताया। डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। देन है कि हम यहाँ पे ऐसे बोल पा रहे हैं और आपके सामने इतने बच्चे को खड़ा किए हैं, तो देन ओनली क्या है? नीतीश कुमार है, लालू यादव नहीं है। ठीक है, रोड पे अभी चल रहे हैं, हर जगह पे पीछे पिच मिलता है, कहीं दूरा माटी नहीं मिलता है। इसका भी कौन है, क्रेडिट किसको जाता है? नीतीश कुमार, नीतीश सरकार को जाता है। घर में खाने को राशन है, बिजली 24 आवर तेरे को मिलता है। देन कौन है? नीतीश सरकार है। और हम भी बाबू, हम उसी जमाने से हैं, हमारा भी, हम बाबू 90 के दशक के हैं, तो 90 के दशक में हमने भी देखा है कि डिबरी जलाओ तो ऐसे फूंक करके बच्चा बुता देता था, पढ़ता नहीं था। तो आज गांव भी शहर बन चुका है, तो देन ओनली कौन है? क्रेडिट किसको जाता? नीतीश सरकार को जाता है। तो उतना फलप भी नहीं, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था अभी सराहनीय नहीं है। केरला बनिए, अमेरिका बनिए, जापान बनिए। साथियों नमस्कार, मैं हूँ बिक्की मिश्रा और आप देख रहे हैं बिक्की मिश्रा एजुकेशनल और मैथ वाला बाबा। कहीं ना कहीं हमारे बीच में शुरू से लेकर के अगर देखा जाए तो हम एक नाम बताना चाहते हैं देन एंड देयर। इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयांश की कहानी से। आयांश एक बच्चा आता है, वो उसका इंजेक्शन करने के लिए उसके माता पिता के पास कुछ क्षमता नहीं होती है। और ख़ास तौर से हम किस पे ये जानना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के जो चौथी स्तंभ अपने आप को समझते हैं मीडिया वाले, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो खास तौर से है, उन्हीं लोगों के लिए खास तौर से है कि एक आयांश के लिए जाता है, कोई बोलता है कि उसके लिए इंजेक्शन के लिए कहीं ना कहीं पैसा गोटा करना है और उसको इंजेक्ट कराना है। वो बीमार रहता है बच्चा, ठीक है वहाँ तक समझ में आता है। फिर एक बच्चा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आता है और एक गाना गा के चला जाता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, मीडिया वाले उसमें गुल रहते हैं। फिर उस दरमियान एक कोरोना नाम का जानवर आता है हम सबों के बीच में, और कोरोना की वजह से ये क्या होता है, मीडिया वाले पूरा का पूरा उसी पे फोकस कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी के घर से निकलना भी दुर्लभ कर देते हैं। इतना ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़, गौर से देखिएगा कि यहाँ पे पाया गया 5000 लोग खोख रहे हैं और कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। ये तमाम तरह की इतने बातें कर दिए कि लोग अपने घर से डरने से निकलने से पहले डर रहते कि कहीं हमारी मौत ना हो जाए, तो डर की वजह से ये लोग भी ख़त्म हो गए। उसके बाद की कहानी हमारा आता है वो कचहा बादाम लेकर के पता नहीं कौन आया। फिर उसके बाद रसिया और यूक्रेन के बीच का न्यूज़ आया हमारे बीच में, मीडिया वाले बस उसी में घूल रहे हैं। फिर आजकल एक देख रहे हैं नालंदा जिला का, जिसका नाम है सोनू कुमार, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा वो सीएम के पास जाता है और वो अपना बेचारा, मतलब हम यही बोलेंगे कि टैलेंटेड बच्चा तो है, और कहीं से कहीं उसमें 1% भी ये डाउट तो नहीं है कि बच्चे में काबिलियत की कमी है। काबिलियत है और इकोनॉमिक स्थिति से ग्रसित बच्चा है कहीं से, और देखा जाए तो उसके पिताजी जो हैं वो शराब के लत आदमी हैं और वो हो सकता है कि वो उसको नहीं सर्वाइव कर पा रहे हों। तो बच्चा जाता है सीएम के दरबार में, जाता है सीएम के दरबार में नहीं, एक्चुअली वो जाते हैं अपने और पत्नी के मल्यार्पण के लिए पुण्यतिथि पे जाते हैं, वहीं पे बच्चा हो जाता है और बोलता है कि सर हमारी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी मदद किया जाए। अब मीडिया वाले को ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाता है, एक करके एक एक मीडिया वाले इतना पहुंच गए उसके पास कि अब बच्चा दिमागी रूप से बीमार हो चुका है। और ये जिसको लोकतंत्र की चौथी स्तंभ बोलते हैं हमारे मीडिया वाले ही कर रहे हैं। तो मीडिया वाले किसी भी अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या न्यूज़ दिखाएंगे, अभी तो ये हमें पता नहीं आने वाले दिनों में क्या बाकी रह गया है। अभी तो हम डर हमें इस बात का है कि कहीं किसी के घर में अब बच्चा पैदा होगा, तो वो भी गौर से देखिए इस घर में बच्चा पैदा हो गया है। इससे पहले कोई भी लड़का इस घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज बच्चा पैदा हो गया है, तो बच्चा भी पैदा करना अब हमें लगता है कि ये आज
अब मीडिया के ज़माने में अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन से न्यूज़ दिखाना शुरू कर देंगे। अब एक से बढ़ के एक पहुंच रहा है। अरे उसका एक क्षमता है, उसका एक दायरा है, एक मर्यादा है। पांचवी क्लास को बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है, तो उसे कहाँ इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन किया जा रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि उससे अनावश्यक प्रश्न क्यों किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे, चलिए हम इन लोगों से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। और हमने अपने कई वीडियो में ये भी बताया है कि बिहार में कई लोगों ने ये भी देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों ने यहाँ पे आकर के ये बोला कि इस सोनू को हम IAS बनाएंगे, तो कोई बोलता है कि हम इसकी जीवन भर की खर्चा सर्वाइव करेंगे। पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में ऐसे टैलेंटेड टैलेंट रखने वाले एक ही बच्चे हैं कि बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे जितने बच्चे हैं ये नाम मात्र के हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे साथ में मेरे दिखे थे। अभी यहाँ पे सैटरडे है ना बाबू, सैटरडे के लिए कुछ स्पेशल काम रखा गया, कुछ कबड्डी वबड्डी रखा गया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे मस्तिष्क चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल आपको मजबूत होना होगा। और फिजिकल मजबूत होने के लिए हमको लगता है कि हम पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं, ताकि बच्चे लोगों में क्या हो सके, वो मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ रह सके। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम कुछ बच्चे को यहाँ पे इधर आओ। नाम क्या होगा आपका? अर्पित कुमार। अर्पित कुमार, ठीक है। कहाँ पे, कौन से जिला के रहने वाले हैं? गोपालगंज। स्टेट कौन सा होगा आपका? बिहार। बिहार, बिहार का मुख्यमंत्री कौन? श्री नीतीश कुमार। शाबाश। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति भी जानते होंगे? अच्छा, ठीक है। बिहार प्रांत से हैं आप? बिहार राज्य में रहते हैं। क्या बनना चाहते हैं वैसे आप? IIT करना चाहते हैं। IITian बनना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा ये लड़का क्या बनना चाहता है, IITian। यहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहते हैं, लेकिन माहौल की कहीं ना कहीं जरूरत है। ठीक है, IITian बनना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? यस सर। आप बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शाबाश, बहुत बढ़िया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अंतर्गत आप क्या बन गई है, मतलब IAS IPS बन जाएगा कि इंजीनियर बन जाएगा? इंजीनियर। अच्छा, शाबाश, इंजीनियर। IIT करने से इंजीनियर ही बनेगा ये लड़का, बिल्कुल कंफर्म ये जानता है। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि IITian बनने के लिए किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होना और किस सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है? फिजिक केमिस्ट्री मैथ। बहुत सही है, तो मैथ में कहीं ना कहीं आपको जानकारी भी होगी। बता सकते हैं मैथ से कुछ पूछा जाए तो? बिल्कुल सही है। बता सकते हैं हमें कि 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है आपको? यस सर। बताइए तो। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बस, ये भी मालूम है, मैथ भी जानते हैं। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि फिजिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? फिजिक्स का पितामह न्यूटन को, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, है ना। अच्छा, ये बात मालूम है कि न्यूटन साहब का जन्म कब हुआ था? मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस कर, लेकिन कहीं ना कहीं। अब एक बात बताइए, कितने साल के हुए आप? 14 साल, मतलब 14 ईयर का ये लड़का है। अभी आप जिस सोनू को सुन रहे हैं वो 11 वर्ष का बच्चा है, हो सकता है कि वो पांचवी क्लास में होते या 8वीं 9वीं में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी ये लड़का, अच्छा एक बात बताइए, कुछ आपके आपसे बड़े लोग होंगे या छोटे लोग होंगे वो भी, अब जैसे आप IITian बनना चाहते हैं, तो बाबू इधर, तू क्या बनना चाहते हैं? पुलिस, मतलब आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या बिहार पुलिस से? स्टेट पुलिस। बिहार पुलिस। उसके लिए हाइट मालूम है क्या होना चाहिए? 1.65 होना चाहिए, 1.65 सी अब, तो हाइट तेरा बढ़ेगा तभी ना ज्वाइन कर पाएगा। yes. मतलब उसके लिए, पुलिस के लिए अगर हाइट तेरा कम रह गया तो क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या बनेगा, मालूम होना चाहिए कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। और ये बात आपको कम मालूम होनी चाहिए, 8वीं से 9वीं क्लास में है तभी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे इसमें बच्चे हैं। इधर है बाबू, तुम्हारा नाम क्या होगा? मनोहर कुमार। कितने साल का हुआ अभी? 13 साल का। वो 11 वर्ष का बच्चा है, ये 13 वर्ष का। वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। IIT का एग्ज़ाम आप भी कहीं ना कहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। तो एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई भी करना होगा, पढ़ाई करना होगा ना। बता सकते हैं कि गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? दूरबीन का। दूरबीन का, ये आप किस में पढ़े थे, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में? फिजिक्स में। शाबाश, किस में पढ़ा है आपको? डीके में। शाबाश, ये भी बढ़िया बात है। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये बढ़िया है और बिल्कुल लगे हुए हैं। और हम यही बात बताना चाहते हैं कि ऐसे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। इधर अब कै साल का हुआ अभी? 11 साल। वाह, ये देखिए सोनू द्वितीय, यही है, ये सोनू द्वितीय है। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं अभी? डॉक्टर। डॉक्टर, कोई पोएम याद है?
बोल तो एक पोएम बोल तो। रेन रेन गो अवे कम अगेन नॉट अ डेली थिंग ऑन वांट टू प्ले रेन रेन गो अवे। बिल्कुल सही है। मतलब क्या क्या बनना चाहता है बताया साफ सूत्र बता। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है, है ना? अब बायोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी जरूरी है तुम्हें पढ़ना, है कि नहीं है? यस सर। मन लगा के पढ़ाई करता है? यस सर। खेलता भी है? यस सर। पबजी खेलता है? यस सर। क्यों नहीं खेलता है? फ्री फायर खेलता है। देखो ये लड़का अब अगर आज फ्री फायर खेल रहा है तो ये भी देखो, ये कहीं ना कहीं हम इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। आज के बाद अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है, समझे बाबू, तो ये बाल को थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है ना? बाल को थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेना, और ये पबजी और फ्री फायर जिस बीमारी का नाम है इससे बिल्कुल दूर रहना। नहीं तो डॉक्टर तो दूर की बात रहा, कंपाउंडर भी नहीं बन पाया। ये सबक है ये कि फ्री फायर और पबजी खेल करके आप कंपाउंडर तक नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर की बात बहुत दूर की बात है, आज के बाद नहीं ना खेलेगा। अगर तेरे को डॉक्टर बनना है तो क्या नहीं खेलना होगा? फ्री फायर और पबजी नहीं खेलना। क्लियर है ना? ये बात समझ गया? यस सर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा बिहार प्रांत से पढ़ने वाले थे ना, बिहार के चौहद्दी बता सकते हैं कि बिहार के चौहद्दी क्या है? यस सर। हाँ बताइए तो। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम मेघालय, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बता सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार कितने दूर में फैला हुआ है? 483 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम? 345 किलोमीटर। बहुत सही बात है। अच्छा भारत की जो जितने भी क्षेत्र है, पर्वतीय, पठारीय और भूस्थलीय, ये सब में बटा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र पे कितना लोग निवास करते हैं बता सकते हैं? 8%। और पर्वतीय क्षेत्र पे, पठारीय क्षेत्र पे, पर्वत पठार में क्या अंतर होता है कुछ बता सकते हैं? पर्वत में और पठार में क्या अंतर? पर्वत जो होता है जो ऊंचा होता है और पठार नुकीला होता है। पर्वत क्या होता है? ऊंचा और नुकीला होता है, और पठार सरपट होता है। ये बात है ना? बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़िया है। और हम सबसे यही बताना चाहते हैं कि मीडिया को जो चौथी स्तंभ है उसको टॉलरेट करना, बर्दाश्त, उसको इतना ज़्यादा टीज ना करो जो सोनू है, क्योंकि काफ़ी उसका वीडियो हम भी देख रहे हैं जो मीडिया वाले अनावश्यक जा करके पूछ रहे हैं कि तो बताइए कि आपके पास सच में पैसा नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पिताजी के पास ये है। अच्छा एक बात और उसने सोनू ने बताया था, शराबबंदी, शराबबंदी सब लोग जानता है? शराबबंदी पे वो बच्चा बोला था, शराबबंदी के बारे में आप लोगों का क्या राय है? शराबबंदी में नीतीश कुमार सही है गलत? गलत है। शराबबंदी तो सही है, शराबबंदी भाई करना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से एक्सीडेंट आपका कम होगा, आपका इकोनॉमिक व्यवस्था सही रहेगा। तो शराबबंदी सही या गलत है? गलत है। क्यों गलत है, कारण बता सकते हैं? तो बंद है, हर जगह शराब मिल रहा है। अच्छा बंद है लेकिन हर जगह मिल रहा है, मतलब ये भूत जैसा हो गया है। भूत है नहीं, दिखेगा हर जगह शराब भी। हाँ पहले बाबू, पहले चौक चौराहा पे मिला था, अभी क्या घरे घरे ऑर्डर कीजिए तुरंत, पिज्जा से भी तेजी में डिलीवरी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे नीतीश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब शराबबंदी को क्या किया जाए, या तो पूर्ण रूप से इसको पाबंद किया जाए? अच्छा एक बात बताओ, ये जो दुआरी शराब घर घर में पहुँच रहा है, ये कहीं ना कहीं अफसरशाही लोग ही इसको ट्रांसफर कर रहा होगा? यस सर। क्योंकि चेक पोस्ट पे जब हम लोग जाते हैं हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, हेमलेट नहीं होता, तब पुलिस वाले रोक करके वहां से हमसे चेक करते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस करके आया कैसे? सवाल ये है, बॉर्डर क्रॉस करके आया कौन? आम आदमी लेके आया या अफसरशाही जितने लोग भी हैं, कर्मचारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, वही लोग पास कराए, माल लेके ना पास कराए? तो यहाँ पे नीतीश सरकार फ्लॉप है। चलो अब एजुकेशन व्यवस्था पे भी वो लड़का ने साफ सुथरा में उंगली उठाया है और स्पष्ट बताया है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन व्यवस्था भी फ्लॉप है। अच्छा सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है? जो कि जो मुखिया के आया लोग और सरकारी टीचर है, जिनका सरकारी टीचर का वेतन तो 50,000 से ऊपर है, इसलिए वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल पर टीचर लोग क्या करता है, लोग की मोबाइल लेकर बैठ जाता है, और 8-10 टीचर जो उनका फ्री होता है पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करता है, लोग बैठकर मोबाइल चलाता है और बात करते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पर भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल का एक टीचर 8-10 हज़ार रुपये में ही पढ़ाता है, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है और वो अपने पीरियड कंप्लीट करके जाता है, उसके डर यह रहता है कि अगर वो 10 मिनट भी लेट जाता है तो उसको सरकारी प्राइवेट टीचर का जो होता है हेड वो उसको निकाल देगा, लेकिन सरकारी टीचर में ना ये है और नहीं कुछ है। चलिए अब बच्चा ये बोलना क्या चाहता है हम क्लियर करके, एक एक शब्द क्लियर करके बता देना चाहते हैं। हमने जब पूछा कि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है, बच्चे ने स्पष्ट बताया कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में बस अंतर यही है कि जितने भी अफसरशाही और सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि वार्ड मुखिया, MLA, MP जितने लोग भी होते हैं ना, ये अपने बच्चे को
ये अपने बच्चे को भेज देते हैं प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट जितने भी कर्मचारी मतलब छोटे तदबे के लोग हैं जो प्राइवेट जॉब किसी तरह अपने जीवन सर्वाइव करते हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। कारण क्या है जान लीजिए। अब ये लड़का एक बात और बोला कि जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी सैलरी कहीं 70-80 हज़ार के आसपास होती है, जबकि एक प्राइवेट टीचर की सैलरी लगभग 5,000-6,000-8,000-10,000 अपने काबिलियत के अनुसार हर किसी का है। लेकिन अब दोनों में अंतर, एक लड़का इसने ये भी बताया कि दोनों में देखिए अंतर यह है कि प्राइवेट टीचर इसलिए प्राइवेट स्कूल बढ़िया चल रहा है क्योंकि प्राइवेट टीचर अपना होमवर्क क्लियर करके जाता है। बच्चा सिर्फ होमवर्क क्लियर नहीं करता, अपितु टीचर भी होमवर्क क्लियर करता है कि हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है क्या नहीं। और सरकारी टीचर में ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं है। सरकारी प्राइवेट टीचर के पास डर है कि हमारा प्रिंसिपल हमें निकाल देगा अगर हमारे परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। सरकारी टीचर के पास ऐसा किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसे डर किसी का नहीं है। प्रिंसिपल चल तेरे को हम भी देख लेंगे, तेरा हमारा नौकरी तू खाएगा, तेरा नौकरी हम खा जाएंगे, मतलब दोनों का दोनों साढ़ुए बन गया है। प्रिंसिपल जितने भी है सबका सब साढ़ुए बन गया है, कोई किसी का बुराई नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर प्राइवेट टीचर अगर 9 बजे क्लास में एंट्री आपको करना है, मतलब 9 बजे के 5 मिनट भी नहीं चलेगा, 9 बजे आपको एग्जैक्ट एंट्री करना है। सरकारी टीचर में ऐसा कोई बात नहीं है, आपको 8 बजे ना 10 बजे आइए कोई बात नहीं, आपका अटेंडेंस फोन करके बोल दीजिए हाँ जी प्रिंसिपल सर जी सर तनी हाजिरिया बना लीजिएगा हम आ रहे हैं, तनी इन्हें देख रहे हैं दो चार पे हित परित आ गए, हित परित जोत रहे हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज दिए। कहा कि जानते हैं कि अपनी काबिलियत कितने, होमवर्क तो करेंगे नहीं, होमवर्क तो करेंगे नहीं, और होमवर्क जब नहीं करेंगे तो नतीजा तो यही निकलेगा। तो ये सारी कहानी है सरकारी स्कूल के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ये गलत है, और इसकी सुधार अगर हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है। पहले तो अगर चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की एजुकेशन व्यवस्था सुधरे तो इसके पीछे सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधर सकती है, कैसे आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल, सरकार सुधरे नहीं, पहले तू सुधर, तू भी अपने आप को नरेंद्र ये देखो छोटा मोदी है ये, हाँ छोटा मोदी है ये, और ये छोटा पटाखा है। तो अभी आपने सुना कि ये डॉक्टर बनना चाहते लेकिन फ्री फायर खेलता है, हमने इसको क्या बोला कि फ्री फायर डॉक्टर तो दूर कंपाउंडर नहीं बनेगा अगर फ्री फायर खेलेगा तो। लेकिन बात ये है, अभी हम क्या बोल रहे थे, हाँ सरकारी एजुकेशन व्यवस्था सुधर सकता है, कैसे, तो जितने भी सरकारी मास्टर हैं उनके बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना है जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये, ऐसे सुधर सकता है ना, क्योंकि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम आप होमवर्क करके जाइएगा ना तो वो भी बच्चा पढ़ लेगा। मुखिया दुखिया कोई भी सरकारी, जितने भी सरकारी औहदा पे हैं, मतलब जितने भी सरकारी लोग हैं, एक भी सरकारी कर्मचारी का बच्चा प्राइवेट किसी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब जाके एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगा। मानता है कि नहीं मानता है? तो पहले तो ये बात, दूसरी बात ये कि टाइमिंग, और ये टाइमिंग इन लोगों को कौन सुधारेगा, माननीय डीएम साहब सुधारेंगे, जानता है कि नहीं जानता? स्कूल जिला का मालिक कौन होता है? डीएम साहब होता है ना, और डीएम साहब उसके बाद बीडीओ साहब, तो डीएम साहब अपना कॉम्बिनेशन अपना जो कोम्बो पैक चलाते हैं कि थोड़ा तुम खा ले थोड़ा हम खा ले, इस चीज को सुधार ले तो वो भी चीज सुधर सकता है। तो लोग अगर गाइडलाइन रखे, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को डीएम साहब और जनता वीडियो साहब अपने बच्चे को कहाँ भेजता है, सरकारी में कि प्राइवेट में? हाँ बहुत सही पकड़ा है। एमएलए समझता है, विधायक वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाता है, और एमपी हाँ हाई क्वालिटी जो थोड़ा सा चल रहा है डीएवी नाम का चल रहा होगा, एसी वाले रूम में, हाँ एसी वाले रूम में अपने बच्चे को भेजता है प्राइवेट में, और बाकी सबको सरकारी। तो सुधरेगा रे, कभी सुधरेगा सरकारी व्यवस्था, तनखा लेगा सरकारी, मास्टर ढूंढेगा प्राइवेट रे। तक एक बात बताए, एक चीज और है, दूसरा उपाय हम बता रहे हैं, खतरनाक उपाय है, सब सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दो, मास्टरी डिग्री हटा दो, मास्टरी डिग्री हटा दो, कोई सरकारी मास्टर नहीं चलेगा, सब प्राइवेट कर दो, कोई सरकारी कर्मचारी, बस एगो सेना को सरकारी रखो। अमेरिका जानता है इतना विकसित क्यों है? yes, वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है। जापान जानता है टेक्नोलॉजी में इतना विकसित क्यों है? वहाँ कोई जातिवाद की राजनीति और ये स्कूलबाजी नहीं होता। और बिहार में और ये चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहती है, हम इसको झंडू बम समझ रहे हैं आजकल वर्तमान में, एगो माइक ले रहा है, एगो कैमरा ले रहा है, गौर से देखिएगा, ये वही सनू है। सनू तो बताओ बाबू, आई सच में बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है? आईएएस बनेगा तो तुमको आईएएस बनाने के लिए बताओ कि सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? अरे तो दे रही कि नहीं दे रही वो उसकी बात है भाई, आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ सकती है ना, इकोनॉमिक स्थिति सबकी बिगड़ सकती है,
रही बात टैलेंट की कमी नहीं है, एजुकेशन व्यवस्था को सुधारा जाए, एजुकेशन व्यवस्था सुधारा जाएगा तभी कुछ होगा। अनावश्यक लोग, कुछ लोग चले गए हैं कि हम गोद ले रहे हैं। सोनू सूद रियल हीरो, एक दिव्यांग लड़की को गोद लिया है, माननीय सराहनीय है, हम भी सल्यूट करते हैं इसे। दिव्यांग लड़की को गोद लिया है कि एक आप बैसाखी के सहारे स्कूल जा रही है, लड़की बच्ची को पढ़ा रहा है और सोनू को भी बोला है कि हम पढ़ा देंगे। ये सब सोनू ही ना है, कितने को पढ़ाइएगा? एजुकेशन व्यवस्था को सुधारिए, बड़े लोग हैं ना, एजुकेशन व्यवस्था को सुधारो। अभी बालिकाओं के शिक्षा के लिए देखो, बालिकाओं के शिक्षा के लिए 10 तक सही है, इंटर में अप्लाई कर रहे, अपना क्षेत्र को छोड़ के कहाँ जाएगी लड़कियाँ? तो ये अप्लाई व्यवस्था वाहियात अभी जितना मैट्रिक से पार कर गई है, वो भरेगी फॉर्म, भरेगी अप्लाई करेगी, यहाँ के लिए भेज देगा वहाँ के लिए, अपने घर से दूर जब भेजेगी लड़की, एक पिता कैसे अपने बेटी को अकेले छोड़ सकता है कहीं दूसरे क्षेत्र में? तो इस पर भी मैंने अनगिनत वीडियो बनाई, किसी के कान में जू रहेगा। हायर एजुकेशन में नीतीश सरकार शुरू से पिछले 3 साल से चिल्ला रहे हैं, फेल है, फ्लॉप है, घटिया है, तो है इंटर, चल इंटर जैसे तैसे कर भी लिया, ग्रेजुएशन में लिस्ट में नामे नहीं आ रहा है, कहा है रे क्या कर लेगा मैट्रिक का, प्याजे ना छिलेगी कुछ कर लेगी? तो उस एजुकेशन में आप फ्लॉप है। ये एजुकेशन पहले तो जितना क्षेत्र है, क्षेत्रीय लड़का लड़की का वहाँ पे एडमिशन दिलाइए, जो दूर जा करके पढ़ना चाहता है वैसे कीजिए। तो इसीलिए ना हायर एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन सब में फ्लॉप है। हाँ, बहुत सारा काम किए, विकास का काम भी बहुत सारा किए नीतीश सरकार में, रोड पे अभी चल रहे, बिजली के बीच में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत शिक्षा में जो क्रांति आया है ये भी नीतीश सरकार का ही देन है। तो हम इतना ज़्यादा इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले भी था सरकार, किसका? लालू यादव जी का सरकार था, उस समय सब अंगूठा ठेल थे। अभी इतना बोलना हम भी सीखे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी के देन है कि हम यहाँ पे ऐसे बोल पा रहे हैं और आपके सामने इतने बच्चे को खड़ा किए हैं। तो देन ओनली क्या है? नीतीश कुमार है, लालू यादव नहीं है, ठीक है। रोड पे अभी चल रहे हैं, हर जगह पे पीछे पीछ मिलता है, कहीं दूरा माटी नहीं मिलता है। इसका भी कौन है क्रेडिट? किसको जाता है? नीतीश कुमार, नीतीश सरकार को जाता है। घर में खाने को राशन है, बिजली 24 आवर तेरे को मिलता है, देन कौन है? नीतीश सरकार है। और हम भी बाबू, हम उसी जमाने से हैं, हमारा भी, हम बाबू 90 के दशक के हैं, तो 90 के दशक में हमने भी देखा है कि डिबरी जलाओ तो ऐसे फूंक करके बच्चा गुता देता था, पढ़ता नहीं था। तो आज गांव भी शहर बन चुका है, तो देन ओनली कौन है? क्रेडिट किसको जाता? नीतीश सरकार को जाता है। तो उतना फ्लप भी नहीं, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था अभी सराहनीय नहीं है। केरला बनिए, अमेरिका बनिए, जापान बनिए, झंडूगिरी बंद कीजिए। और चौथा स्तंभ मीडिया वाले, जरा बच के रहिए, क्योंकि बिक्का मिश्रा हमारा भी नाम है। थैंक यू, धन्यवाद।